जगदीश त्यागी उर्फ जॉली BALLB डुप्लीकेट से सावधान। जगदीश्वर मिश्रा BALLB ओरिजिनल जॉली लखनऊ वाले। तुमने सिविल न्यायाधीश अजमेर उत्तर के समक्ष एक दावा सिविल दावा प्रस्तुत किया है और सिविल दावे में हमने फिल्म कलाकार अक्षय कुमार, अरशद सुभाष कपूर और महाप्रबंधक DRM ऑफिस अजमेर जरिए कलेक्टर और सिविल लाइन थाना अधिकारी को पक्षकार बनाया है। अब आप देखिए जोली LLB की शूटिंग अजमेर में हो रही है और पहले भी जोली LLB पार्ट फर्स्ट और सेकंड हमने देखा है। उन पार्ट्स को देखने से पता चलता है कि इन फिल्मों के माध्यम से फिल्में एक समाज का दर्पण होता है जिसको हर इंसान बच्चा देख कर फॉलो करने लगता है, फिल्म को फिल्म नहीं मानता, न्यायपालिका की एक तरीके से छवि बनी हुई है, उस छवि को इन फिल्मों के माध्यम से खराब की जा रही है। आप देखिए उस पिक्चर में जज साहब का रोल बताया जिसका भी, तो वो वहाँ गुटखा खा रहा है डाइस पे बैठ नीचे आके बैठ के हड़ताल पे बैठ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए कुछ नहीं होता तो ये चीज़ें क्यों बताई जा रही हैं। अब ये जो अक्षय कुमार और अरशद जो है फीस के लिए लड़ रहे हैं, जबकि हमारे न्यायपालिका में वकीलों के मध्य ऐसा कुछ नहीं होता। एक सिस्टम बना हुआ है कि वकील के अलावा दूसरा कोई वकील आएगा तो NOC लेनी पड़ती है। तो उन चीज़ें अच्छाई को नहीं बता रहे पिक्चरों के माध्यम से। न्यायपालिका में क्या गड़बड़ चल रही है, क्या बुराइयाँ चल रही है, उसको समाज के सामने बता रहे हैं, तो न्यायपालिका की छवि धूमिल हो रही है। तुमने सिविल न्यायाधीश अजमेर उत्तर के समक्ष एक दावा सिविल दावा प्रस्तुत किया है और सिविल दावे में हमने फिल्म कलाकार अक्षय कुमार, अरशद सुभाष कपूर और महाप्रबंधक DRM ऑफिस अजमेर जरिए कलेक्टर और सिविल लाइन थाना अधिकारी को पक्षकार बनाया है। अब आप देखिए जोली LLB की शूटिंग अजमेर में हो रही है और पहले भी जोली LLB पार्ट फर्स्ट और सेकंड हमने देखा है। उन पार्ट्स को देखने से पता चलता है कि इन फिल्मों के माध्यम से फिल्में एक समाज का दर्पण होता है जिसको हर इंसान बच्चा देख कर फॉलो करने लगता है, फिल्म को फिल्म नहीं मानता, न्यायपालिका की एक तरीके से छवि बनी हुई है, उस छवि को इन फिल्मों के माध्यम से खराब की जा रही है। आप देखिए उस पिक्चर में जज साहब का रोल बताया जिसका भी, तो वो वहाँ गुटखा खा रहा है डाइस पे बैठ नीचे आके बैठ के हड़ताल पे बैठ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए कुछ नहीं होता तो ये चीज़ें क्यों बताई जा रही हैं। अब ये जो अक्षय कुमार और अरशद जो है फीस के लिए लड़ रहे हैं, जबकि हमारे न्यायपालिका में वकीलों के मध्य ऐसा कुछ नहीं होता। एक सिस्टम बना हुआ है कि वकील के अलावा दूसरा कोई वकील आएगा तो NOC लेनी पड़ती है। तो उन चीज़ें अच्छाई को नहीं बता रहे पिक्चरों के माध्यम से। न्यायपालिका में क्या गड़बड़ चल रही है, क्या बुराइयाँ चल रही है, उसको समाज के सामने बता रहे हैं, तो न्यायपालिका की छवि धूमिल हो रही है। जजेज कोई दावा नहीं कर सकते, हम भी एक पार्ट एंड पार्सल है न्यायपालिका के, इसलिए हमने ये दावा प्रस्तुत किया है। और दावा प्रस्तुत किया है तो इन्होंने कभी भी हमारे से प्रयास नहीं किए जिला कलेक्टर के माध्यम से या इनकी जो टीम काम कर रही है कि हमें स्क्रिप्ट बताते तो हम उसमें क्या ऑब्जेक्शन है नहीं है, तो इस तरीके की NOC जारी करते। अब पूरे भारत में वकीलों की छवि खराब हो रही है, पूरे भारत में न्यायाधीशों की छवि खराब हो रही है, क्योंकि शूटिंग अजमेर में हो रही तो हमारा ये दायित्व बनता है बार के माध्यम से कि इस मुद्दे को उठाया जाए। हमने दावा पेश किया, कल अर्ली हियरिंग की अर्जी भी लगाई है, तो कल इसको सुनवाई पे भी रखा है और नोटिस भी जारी होंगे, कल की तारीख के होते हैं या परसों की होती है जो भी है, तो इनको सबको तलब किया है न्यायालय में, किया जाएगा, कल आदेश होंगे। तो आज हमने दावा पेश किया, दावा जो है जिला बार अध्यक्ष मैं हूँ चंद्रपाल सिंह राठौर, मेरी तरफ से यह दावा पेश किया गया। भाई दावे में हमने तथ्य लिखे हैं, इसकी आपको कॉपी भी देंगे DRM ऑफिस में, जो ये सिस्टम चल रहा है, जबकि अजमेर न्यायालय में शूटिंग हो रही है तो अजमेर न्यायालय का नाम लिखते, साथ ही अधिवक्ताओं की गरिमा वहाँ इस तरीके से बताया, अधिवक्ताओं का रोल वैसा नहीं है जिस तरीके से वो बता रहे हैं, तो अधिवक्ताओं की एक धूमिल छवि
धूमिल हो रही है, छवि खराब हो रही है। तो इसीलिए हमने ये दावा पेश किया कि अधिवक्ताओं की न्यायपालिकाओं की मान मर्यादा प्रतिष्ठा को आघात नहीं पहुंचे। इसकी सुनवाई कल होगी और कल न्यायालय क्या आगे का फर्दर एक्शन लेता है तो कल आपको बता पाएगा। आज हमारे द्वारा एक जो जोली LLB 3 अजमेर के DRM ऑफिस के अंदर जो शूटिंग हो रही है उसको लेकर एक दावा प्रस्तुत किया गया है, जिस प्रकार से न्यायालय व्यवस्था व अधिवक्ताओं के मान सम्मान के ठेस पहुंचाई जा रही है वो गलत है। और इसको लेकर हमारे अध्यक्ष ने एक दावा प्रस्तुत किया है जिसमें इस चीज़ को बताया गया है कि माननीय न्यायालयों का किस तरीके से मान सम्मान को गिराया जा रहा है। कि एक पूर्व में जो जॉली LLB 2 आई थी जिसमें जज जो है किस प्रकार से नीचे आके भूख हड़ताल पर बैठता है और बैठ जाता है और सुबह 6 बजे तक वो किस तरीके से अपने उसको बहस को सुन रहा है कर रहा है, तो जो न्यायालय की व्यवस्थाएं हैं उनके एक मजाक बना के बताया गया। और जिस प्रकार से रेलवे ने इनको परमिशन गलत रूप से दी है और लोकल जो प्रशासन है उसने भी गलत रूप से, स्टेट गवर्नमेंट ने भी जिस प्रकार से दी है उसको लेकर है कि उन्होंने नाम चेंज कर दिए है, जुडिशल कोर्ट्स बनाए हैं उसके अंदर तरह तरह के जो अधिवक्ताओं को बताया जा रहा है, एडवोकेट्स को बताया जा रहा है उनकी ड्रेस कोड जो है कितना गलत बताया जा रहा है, उनके आने की जो तरीका है उसको गलत बताया जा रहा है और पूरे जो प्रोसेस है उसको भी वो एक तरह से गलत रूप से बताते हैं। उसको लेकर हम व्यथित हुए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जो उन्होंने पटकथा लिखी क्या उसकी अप्रूवल उन्होंने लिया कि हम इस तरीके से, जिस तरीके से सेंसर बोर्ड होता है उस प्रकार से हमारा भी एक सर्वोच्च संस्था है बार काउंसिल ऑफ इंडिया और हमारे राजस्थान के बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, क्या उससे इस पटकथा का अप्रूवल लिया कि हम इस तरीके से अधिवक्ताओं पर और जुडिशियल के ऊपर हम ये बना रहे हैं, क्या इन्होंने न्यायालय को भी इस चीज़ की बताई कि हम इस तरीके से कोर्ट के प्रोसेस को बता रहे हैं। ये गलत परिपाटी है और इससे एक हंसी का पात्र, वैसे ही अधिवक्ताओं को इस प्रकार से देखा जाता है और जिस प्रकार से हमारी दृश्य को दिखाया जा रहा है उससे अधिवक्ताओं की भावनाएं और उनके सम्मान को बहुत बड़ी ठेस पहुंच रही है। इसी सब को लेकर, इन सारी बातों को लेकर हमारे द्वारा एक दावा हमारे जिला बार अध्यक्ष श्री चंद्रमान जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसके अंदर इस चीज सब चीज़ों को लिखा गया है। कल माननीय न्यायालय ने उसको अर्जेंट हियरिंग देखते हुए कल माननीय न्यायालय ने उसको दर्ज करने के आदेश करके इसके नोटिस इशू करने के लिए कल माननीय न्यायालय द्वारा जो भी आगामी आदेश होगा वो दिया जाएगा कि इस पूरी फिल्म के ऊपर आगे क्या न्यायालय का वो रहता है वो कल पता पड़ेगा। हमारे द्वारा जो अक्षय कुमार जो उनका एक्टर हैं, दूसरा जो अरशद वारसी उनके एक्टर हैं, तीसरा जो उनके अंदर जो न्यायाधीश बने मिस्टर शुक्ला उनके ऊपर है, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, सबसे बड़ा जो महाप्रबंधक रेलवे के हैं, जो उत्तर पश्चिम रेलवे जो सबसे बड़ा अजमेर का है जिसके अंदर DRM ऑफिस है जहाँ पर आम आदमी का आना जाना और वहाँ पे सबसे बड़ा सिग्नल है, मतलब इस उत्तर रेलवे को जो क्रॉस करता है उसका सिग्नल है सबसे बड़ा। इतनी घटनाएं पूरे भारत देश में हुई हैं, अगर इस सब प्रक्रिया के अंदर जो कहते हैं कि हम सुबह कर रहे हैं शाम को कर रहे हैं, गाड़ी 24 आवर्स के अंदर से अजमेर में 45 गाड़ियाँ निकलती है, उसका सिंगल कोर जहाँ पर पूरी फिल्म की शूटिंग हो रही है उसके जस्ट सामने है, वहाँ पर जाने के लिए बॉक्सर्स और जो उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो बदतमीजी करते हैं, अंदर घुसने नहीं देते और जिस तरीके से वहाँ पर सुबह ही सुबह जो घूमने जाते हैं उनके साथ भी बदतमीजी की जाती है, ये सब कुछ गलत है। सबसे बड़ी बात है आज लोगों के साथ सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है और उस खिलवाड़ के अंदर बहुत गलत है।